क्या आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग आपके रिटर्न्स को कैसे इफेक्ट करता है? ये जो हम सुनते हैं कि 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली या एनुअली, क्या ये सब सेम होता है? आज हम इस पर बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो आइए देखते हैं। बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉजिट हो या चाहे कोई स्मॉल सेविंग स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इनके रिटर्न्स डिपेंड करते हैं कंपाउंडिंग पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग की, कितना फ्रीक्वेंटली कितने महीनों में कंपाउंडिंग हो रहा है, ये रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे कोई बैंक सपोज आपको बोले कि हम आपको देंगे 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या होगा इफेक्टिव रिटर्न? 8% पर क्वार्टरली कंपाउंड होने के बाद इफेक्टिव रिटर्न होगा 1+ इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स होल रेज टू द पावर नंबर ऑफ पीरियड्स फिर होल माइनस 1। अब इसी फॉर्मूले में हम 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली डालकर देखते हैं कि कितना आता है इफेक्टिव रिटर्न। तो 1+ इंटरेस्ट रेट है 8%, तो 0.08 लेंगे, डिवाइडेड बाय क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ पीरियड 4 रेज टू द पावर नंबर ऑफ पीरियड्स यानी 4 इक्वल करें तो आएगा 1.0824। अब ये इससे माइनस 1 कर दे तो आया 0.0824। रिटर्न परसेंटेज में होता है, इसलिए 0.0824 इंटू 100 कर दीजिए और ये रहा आपका इफेक्टिव रिटर्न, डैट इज इक्वल टू 8.24%। सिंपल है, लगता बहुत ही टफ है कि नहीं कर पाएंगे, ये कंपाउंडिंग कैलकुलेट करना कितना कंजट है, कौन करे, पर देखिए कितना आसान है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना रिटर्न देगा। जैसे 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हुआ आपको 8.24% का रिटर्न मिलेगा, ये हो गया आपका इफेक्टिव रिटर्न। और अगर बैंक आपको कहे कि वो 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे रहा है, तो आप अब खुद जल्दी से अपना इफेक्टिव रिटर्न कैलकुलेट करके देखिए। इफेक्टिव रिटर्न इक्वल टू 1+0.08 डिवाइडेड बाय हाफ ईयरली है इसलिए 2 होल रेज टू द पावर 2। इतना ही पहले सॉल्व कीजिए तो आएगा 1.0816। अब इसमें माइनस 1 कर दे तो 0.0816। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, 0.0816 इंटू 100 इक्वल टू 8.16%। 8.16% हो गया इफेक्टिव रिटर्न, यानी 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली का मतलब आपको इफेक्टिव रिटर्न मिल रहा है 8.16% का। क्या 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, इसका इफेक्टिव रिटर्न 8% के इक्विवेलेंट ही होगा क्या? चलिए ये भी देख लेते हैं। फॉर्मूले में अगर पुट कर दे वैल्यूज को तो 1+0.08 डिवाइडेड बाय 1 ईयरली कंपाउंड इसलिए नंबर ऑफ पीरियड 1 होल रेज टू द पावर 1, ये इक्वल टू हुआ 1.08। इसमें माइनस 1 कर दे तो हुआ 0.08। अब इंटू 100% के लिए ये आ गया हमारा इफेक्टिव रिटर्न, डैट इज इक्वल टू 8%। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली मतलब सेम 8% का इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा। दो बैंक्स हैं, एक आपको एफडी पर ऑफर कर रहा है 8.2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली और दूसरा बैंक आपको ऑफर कर रहा है 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप ऐसे सिचुएशन में कौन सा चूज करेंगे, वीडियो को आगे देखने से पहले मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आप में से कई लोग 8.2% कंपाउंडेड एनुअली चूज करेंगे और करते भी हैं, क्योंकि सबसे पहले तो 8.2 ज़्यादा होता है 8 से, ये कोई आग बन करके भी बता दे, और उसके बाद एनुअली कंपाउंडेड इनिशियल रिटर्न तो 8.2 ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा कुछ सोचते होंगे। पर इफेक्टिव रिटर्न अगर हम निकालें वही मेरे पहले बताए हुए फॉर्मूले से, तो इफेक्टिव रिटर्न इस केस में आएगा 8.2%, यानी 8.2% कंपाउंडेड एनुअली इक्विवेलेंट है 8.2% के। और दूसरे केस में 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली पर आप इफेक्टिव रिटर्न निकालें तो वो आएगा 8.24%,
मतलब कि 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली इक्विवेलेंट है 8.24% के। तो दोनों में से फ़ायदा किस ऑफर में हुआ? तो दोस्तों, अब आप सब समझ गए होंगे कि 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली ज़्यादा होता है 8.2% कंपाउंडेड एनुअली से। बस आप इनिशियल रिटर्न देखकर अट्रैक्ट मत होइए, खुद से इफेक्टिव रिटर्न कैलकुलेट करके देखिए, क्योंकि कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी रिटर्न पर असर डालता ही है। आगे अब हम देखते हैं कि कितना असर मैच्योरिटी अमाउंट पर कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी डालती है। 1 लाख का सपोज आपने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख, तो सबसे पहले जब 8% कंपाउंडेड एनुअली होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 1,46,933। फिर जब 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली होगा तो मैच्योरिटी अमाउंट होगी 1,48,024 रुपीज़। तो पहले केस और इस केस में डिफरेंस आएगा 1,092 रुपीज़ का। मैच्योरिटी अमाउंट में डिफरेंस हुआ 1,092 रुपीज़, परसेंटेज के टर्म्स में 0.74%। फिर 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, तो मैच्योरिटी अमाउंट होगी 1,48,595। और अब मैच्योरिटी अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा 1,662 रुपीज़ का, परसेंटेज के टर्म्स में 1.13%। मुझे आप ज़रूर से नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब तक आप खुद से इफेक्टिव रिटर्न कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे। तो बस वीडियो के लिए लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं या फिर अभी तक मार्केट मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।